वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9, मैं हूं मोहित। एनडीए की जो सरकार है उसे इस बार पूर्ण बहुमत मिला है, वहीं ईटी गठबंधन जो है वो जीत तोड़ की राजनीति के साथ वे फिर सत्ता में आने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं पूर्णिया में भी एक व्यापक फेरबदल हुआ है, जहां 10 सालों से जो जदयू के सांसद संतोष कुशवाहा थे इस बार चुनाव हार गए हैं और निर्दलीय पप्पू यादव यहाँ से चुनाव जीते हैं। पूर्णिया की जो जनता है वो नई सरकार से क्या उम्मीद लगाए बैठी है, उनकी क्या प्राथमिकताएं होगी, सरकार से क्या उम्मीद है, आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं। क्या कर रहे हैं कि अभी से कुछ दिन पहले क्या था ना, 400 में 350 तक में गैस मिल रहा था और अभी क्या है, बहुत ज़्यादा ही महंगाई बढ़ चुका है। तो हम एक तो घर में ही रहते हैं, ठीक है, खाना पीना हम लोगों को बनाना पड़ता है, तो यही सरकार से अपेक्षा करते हैं जो महंगाई को थोड़ा कम करवाइए। अभी क्या है ना, मेरे ख्याल से ये 5 साल से 10 साल से हम लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, ठीक है, मिल रहा है, बहुत कम मिल रहा है, बहुत सारा वैकेंसी आ जा रहा है लेकिन वो रद्द हो जा रहा है। तो हम लोग सरकार से यही अपील करेंगे कि हम लोग को रोजगार दिया जाए। मेरा नाम है खुशबू यादव। देखिए, सबसे पहले तो जो एनडीए को लेकर के या फिर बीजेपी को लेकर के जनता में जो आक्रोश थी, इस नतीजे से, पूरे देश भर के नतीजे से उस आक्रोश का जो है वो देखने को मिला कि बीजेपी अपने सीट से नीचे गिर गई। और जो बीजेपी महंगाई के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर, महंगाई के नाम पर देश के जनता को ठगने का काम किया और बेरोजगारी के नाम पर युवाओं को ठगने का काम किया, तो कहीं ना कहीं इस चुनाव से ये चीज़ देखने को मिला कि जनता में इस चीज़ को लेकर आक्रोश है। बाकी पूर्णिया सीट पे पप्पू यादव जी जीते हैं, उनको बहुत बहुत बधाई हो। उनसे आशा है कि पिछले 10 साल में जो चीज़ नहीं हो पाई है, पूर्णिया के युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाया है, या फिर पूर्णिया में जैसे कि अभी भैया ने बताया कि बहुत ही अलग टाइप से स्माइक का नशा जो है बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो इन सब चीज़ों में सुधार हो, सांसद जी से ये हमारा अपेक्षा है। बाकी पूर्णिया की जनता ने जिसे अपना मत दिया है वो सही से पूर्णिया की जनता के लिए काम करे। और जो नई सरकार जो बनने वाली है, हालांकि अभी कसमोकस में है कि इंडिया अलायंस सरकार बनाएगी या फिर इंडिया एनडीए अलायंस बनाएगी, तो जो भी सरकार बनाती है उनसे अपेक्षा रही पिछले 10 साल में जो चीज़ों पे वो खड़े नहीं उतर पाए वो इस 5 साल में करके दिखाए। और खास करके जो पूरे देश के युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं, जबकि हमारा देश सबसे युवा देश है, तो हमारा अपेक्षा रहेगा कि बेरोजगारों को ध्यान में रखते हुए रोजगार की सृजन जो है हमारे देश में होनी चाहिए। हम लोग को सरकार से बहुत तकलीफ है, हम लोग सरकार हम लोग को पसंद नहीं है। आज 10 साल से सरकार हम लोग के लिए किया क्या, गरीब के लिए तो कुछ किया ही नहीं। गरीब को और महंगाई का मार झेलना पड़ रहा, दिन पे दिन हर चीज़ महंगा हो ही जा रहा, किसी चीज़ का लाभ हम लोग को तो मिलता नहीं। हम लोग घर से भी परेशान है, रोड साइड में हम लोग मैकेनिक का काम करते हैं, 200-400 रुपया कमाते, घर का राशन सही ढंग से पूरा नहीं होता। उसके बावजूद हम लोग का कुछ साल पहले दुकान था हम लोग का आगे में, वहाँ पर पार्क बना दिया गया जिसका कि कोई लाभ नहीं है हम लोग को। हम लोग का दुकान तोड़ के वहाँ पे हम लोग को आसरा दिया गया कि दुकान बनेगा, दुकान बना नहीं, उसके जगह पे पार्क बना दिया जिससे कि कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। हम लोग को आता हमेशा नगर निगम यहाँ से हटाओ हटाओ हटाओ, फाइन काट दिया, हटा देता, यही सब परेशानी है सरकार से हम लोगों को। अभी जो नया सरकार है तो नया सरकार तो बना ही नहीं है, 10 साल से वही सरकार चल ही रहा। अब जब सरकार चेंज होगा तो उससे कुछ लाभ मिले तो यही बहुत है हम लोग के लिए। हम लोग तो चाहते हैं कि सरकार कुछ अच्छा काम करे गरीब के लिए, अमीर के लिए तो सब सही करता है लेकिन गरीब को कौन देखने वाला, कोई देखने वाला है। मोहम्मद आसू। रोजगार जो ये मेजोरिटी जो इतना कम आया है केंद्र सरकार को, यह महंगाई के मुद्दे पे कम आई है, धार्मिक मुद्दे पर जो चीज़ें गड़बड़ हुई हैं उस मुद्दे पे कम आया है सीट, और बेरोजगारी तो एक मुद्दा है, ये बड़ा मुद्दा है, ये महंगाई भी है, तो इन सब चीज़ों पे जो है ये सीट घर के 300 से 400 का जो लक्ष्य था वो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दिया। और सरकार फुल मेजोरिटी में होते हुए भी मेजोरिटी में नहीं है, और इसमें बिहार योगदान देगा या नहीं देगा यह भी एक बड़ी बात है। आप युवा हैं, किस तरह से देखते हैं ये फिर से तीसरा बार सरकार जो है केंद्र में बनने जा रही है? हम युवाओं को रोजगार महंगाई वाली बात तो है, और पूर्णिया वासी होने के नाते केंद्र सरकार ने पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर जो वादा किया था, अब वो समय आ गया है कि सरकार
इस वादे को पूरा करें, सीमांचल को विशेष तौर पर देखें, बिहार को विशेष तौर पर देखें। परिचय बता, विकास आदित्य, सोशल टीम पूर्णिया फाउंडेशन। देखिए, नया सरकार अगर इंडिया का बन जाता है, राहुल जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो देश के लिए बहुत सुनहरा अवसर आ जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारे ये एनडीए की सरकार, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, किसानों के लिए तो ये अभिशाप साबित हो गए। किसान इनके रिजिम में 10 साल में बर्बाद हो गया, बिल्कुल फसल का कीमत नहीं मिलता है, लागत खेती में बहुत बढ़ता गया, खाद महंगा, सब चीज़ बीज महंगा, पटवन महंगा, सब चीज़ महंगा। जो डीजल हम लोग को 60 रुपये में मिलता था, वह डीजल अब 100 रुपये में मिलता है। पटवन में तो परेशानी होता है, खेत का जोताई, फसल का ढुलाई, सिंचाई, सब तो डीजल से होता है। तो डीजल महंगा हो गया तो लागत बढ़ गया, लेकिन फसल का कीमत नहीं बढ़ा। हम लोग 10 साल में इतना न दिक्कत भोगे हैं इनके राज में। अगर राहुल जी बन जाते हैं प्रधानमंत्री, तो फिर किसान खुशहाल हो जाएगा, इस देश या देश जो है सो तब प्रगति करेगा। आज दो देश बहुत पीछे चला गया, बहुत पीछे चला गया। जब आम आवाम महंगाई और बेरोजगारी से जूझते जूझते बर्बाद हो गया, तो कैसे समझेंगे कि देश अब विकास कर रहा है। तो ये हाल है। तो हम चाहते हैं कि किसी तरह से हमारे नीतीश जी को सद्बुद्धि आवे कि वो इंडिया के साथ जुड़ के और मोदी जी को सबक सिखावे। हम यही नीतीश जी से अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं, और हमको पूरा भरोसा है कि हमारे नीतीश जी इंडिया के साथ मिल के नरेंद्र मोदी को सबक सिखाएंगे और देश को आगे बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। परिचय बता। हम अनिरुद्ध मेहता, बिहार किसान मजदूर संघ के संस्थापक। जो भी नई सरकार बनेगी या इंडिया एलियंस की बनेगी, इंडिया एलियंस की बनेगी, मैं उसको ये कहना चाहता हूँ कि बेरोजगारी सबसे ज़्यादा बढ़ गई थी, महंगाई बढ़ गई थी। हमारे देश में, भारत में 55% युवाओं की संख्या है, और बेरोजगारी और इतना ज़्यादा बढ़ गए। जो भी सरकार बने वो बेरोजगारी पर ध्यान देने का काम करे। और जहाँ तक महंगाई है और नौकरी वैकेंसी ठप हो गई थी 10 साल में, और जनता जो एनडीए गठबंधन कर रहे थे 400 पार, उसका भ्रम तोड़ने के काम किए कि यह देश में लोकतंत्र की देश है, यह देश राजा को नहीं चुनता है, सेवक को चुना जाता है। यह देश में लोकतंत्र में हुआ है, विपक्ष भी बहुत मजबूत हुए हैं। ऐसा नहीं है कि एनडीए गठबंधन सरकार बना रहे हैं, आपको भी पता है कि उलट फिर होने वाले हैं। सरकार इंडिया एलियंस भी बना सकते हैं, और देश में जो नया प्रधानमंत्री बनेंगे उससे अपेक्षा करेंगे धर्मों की बात कम करिएगा और बेरोजगारी पर बात ज़्यादा करने का, यही कहना चाहता हूँ। परिचय बता। चाहत यादव, पूर्णिया विश्वविद्यालय। युवाओं को यही उम्मीद है, यही अपेक्षा है कि युवाओं के लिए कुछ करेंगे। सबसे पहले तो जो नशे के आड़ में युवा लोग जो फंसे हुए हैं, स्मैक के जाल में जो पूर्णिया फंसा हुआ है, उम्मीद है कि जो नए सांसद हैं हमारे, उस चीज़ से पूर्णिया को निकालने की कोशिश करेंगे। अच्छा, 10 साल में जो है रोज़गार वगैरह मिला है युवा को? बिल्कुल, 10 साल पहले हम बेरोजगार थे, आज हमको रोज़गार है। तो हम तो सबसे पहले अपने आप को ही देखेंगे, और भी बहुत सारा कुछ मिला है। ऐसा नहीं है कि जो सरकार हार गया वो सरकार ख़राब था, या जो सरकार आया है वो सरकार ख़राब काम करेगा। वो भी अच्छे थे, इनको भी अच्छे से करना चाहिए, पूर्णिया सबका है। परिचय बता। मेरा नाम प्रीतम आनंद। और जो भी बने अभी तक, जो भी लास्ट विगत जो टेन्योर रहा है, उसमें जो मिडिल क्लास फैमिली है उसको लेकर के सरकार का बहुत ज़्यादा अच्छा अप्रोच नहीं रहा है। जो लोअर क्लास हैं उनके लिए सरकार ने हमेशा कुछ ना कुछ किया है, या जो अपर हैं उनके लिए भी कुछ कॉरपोरेट्स के लिए नया नियम और उनको कुछ प्रिविलेज दिया है सरकार ने। बट इस बार एक मौका है कि जो ये जो मिडिल मैन है, जो भी समाज के ये मेन आधार है, इस आधार को बचा करके चलना पड़ेगा। तो जो भी केंद्र में सरकार बने, मेरी यही उनसे गुजारिश है, और ये एक मेरी अपेक्षा भी है कि वो लोग बिजनेसमैन के लिए कुछ ऐसा करें, या नहीं कि खाली बस सिर्फ एक नया कानून ठोक दें, नया कर ठोक दें, और सिर्फ कर उगाही के ऊपर ही है। क्योंकि जितना भी पैसा आ रहा है, आज GST को लेकर के जो हुआ, आज GST में इतना पैसा सरकार को आ रहा है, बट इसके बाद भी रोज़ कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर के मतलब कोई सुनवाई नहीं, कुछ ना कुछ जो है। तो ये सरकार को चाहिए कि थोड़ा सा इस नियम को लिबरल रखते हुए, और जो छोटे बिजनेसमैन हैं, जो 10 लाख 5 लाख की पूंजी में अपना व्यवसाय कर रहे हैं, उनको भी आगे बढ़ाने के लिए सरकार जो है कुछ अच्छी ऐसा नियम बनाए जिससे कि थोड़ा सा उनके लिए काम करने में जो है वो बहुत सुविधा हो, जो अभी उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आदित्य केजरीवाल, महासचिव, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पूर्णिया।
का बात है, नई सरकार और उमंग और उत्साह से काम करेगी, मेरा पूर्ण विश्वास है। और ये बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जिसको कि ये लोग कहते हैं, सरकार का नारा है कि सभी के हित के लिए काम करना है, सभी को आगे बढ़ाना है, समाज के सभी तबकों के लिए काम करना है। और ख़ास करके हम लोग न्यायपालिका में हैं, न्यायपालिका का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। एक माने सरकार के चार स्तंभ में से एक स्तंभ न्यायपालिका भी है। न्यायपालिका बिल्कुल सुदृढ़ अवस्था में है। न्यायपालिका में जो कुछ भी माने लोअर जुडिशियरी से लेके हाईएस्ट जुडिशियरी यानी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक का जो गठन है वो संविधान के अनुसार तो बिल्कुल परफेक्ट है और बढ़िया से कार्य कर रहा है। उसमें और नियुक्तियों की आवश्यकता है, जैसे कि मजिस्ट्रेट, सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, और इसके बाद सरकारी वकील जो उसके काम के निष्पादन में सहायता करे, ताकि केस का बोझ कम हो और पब्लिक को इमीडिएट न्याय मिले। हाँ, पब्लिक जो है ज़्यादा पुलिस के भरोसे नहीं रहे, क्योंकि पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन तो करती है, लेकिन दुखद बात है आज भी त्रुटिपूर्ण, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे भी हैं लेकिन कभी कभी त्रुटिपूर्ण इन्वेस्टिगेशन करता है, लंबा समय लगाता है और कानूनी पेचीदगियों में फंसाता है। अच्छा, सरकार से यह भी अपेक्षा है तो कानून को कुछ इस ढंग से सुदृढ़ किया जाए जिससे कि कानून सस्ता और तीव्र गति से प्राप्त करने योग्य हो जाए। न्यायपालिका मजबूत होगी और न्यायपालिका जब मजबूत होगी हर इंसान को न्याय मिलेगा, जो न्याय का आकांक्षी है उसको न्याय मिलेगा, देश में शांति व्यवस्था रहेगी और देश आगे बढ़ता रहेगा। वी गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।